चलो भाई। एक चीज है, बारिश मेरे ख्याल से कैमरा ठीक है और माइक भी ठीक ठाक ही होगा। चलो तभी मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं है जिसकी वजह से थकावट कम होगा। हालांकि दो दिनों से तो बारिश ही हो रही है, कल ये मौसम अच्छा ही था और आज तो सुबह सुबह ही बारिश हुई है। अभी चलें, फ्रॉम हेयर टू वन विभाग, वन विभाग वेरी मच प्रॉब्लम, यू कांट टेक साइड मच बीजी। बारिश तो होगी ही, कंफर्म बारिश होगी। भाई साहब इस ट्रैक्टर से तो बच के रहना चाहिए, इसके ड्राइवर को नॉलेज ही नहीं होता है। तो चलें, बहुत दिनों के बाद मैं पूर्णिया से बाहर निकल रहा हूँ, थोड़ी सी खुशी सी हो रही है। इस बस से आगे निकलना होगा। हे फूल और तारों का सबका कहना है, अब बाहर बहुत ही खतरनाक कोरोना है, भैया हम सबको उससे बच के रहना है। चलो भाई निकल जा। तो इस जगह भी मखाना का खेती हो रहा है, अरे वाह। और इसी रीजन में मखाना का खेती होता है, कुछ इस रीजन में सुपौल और सहरसा डिस्ट्रिक्ट में भी मखाना का खेती होता है। चलो भाई इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकल जा, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा भाई। आप सभी जानते हैं आजकल बस सेवा में कौन कौन होता है, बोलना नहीं चाहिए, बोलना बुरी बात। यहाँ से ले लेता हूँ राइट टर्न। चलो भैया राइट टर्न, राइट टर्न, राइट टर्न, राइट टर्न, एकदम राइट कर। मैं इस रास्ते से फरवरी में गया था, उसके बाद मैं इस रास्ते से नहीं गया क्योंकि फिर स्कूल में काम उम था, स्कूल में बहुत ज़्यादा वर्क था तो बाहर जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि तो अपने काम को निपटाना था, एग्जामिनेशन पीरियड भी चल रहा था, उसका लॉकडाउन ही हो गया।
है सहा पूरा का पूरा। तो हाँ, तो क्या गाना गा रहे थे? गाना गा रहे थे फूल और तारों का सबका कहना है अब बाहर बहुत ही खतरनाक कोरोना है, चेहरे पर मास्क हाथ में ग्लव्स लगा लेना है, फूल और तारों का सिस्टर आई विल बाइट बिलो 90, नॉट आई विल नॉट गो अप मोर देन 90 बिकॉज़ दिस डेज all the persons are thinking what the road is completely empty and we can ride, we can ride very fast, that's why I'll mention my limit. अरे वाह, ये डायवर्सन तो बहुत दिनों से बना ही नहीं है। अभी मैं पहुंचा हूं बनमनखी, और इस जगह का नाम कुछ इतिहास में भी दर्ज है। हम लोग होली खेलते हैं तो यहां भक्त प्रहलाद और होलिका दहन से संबंधित एक बहुत ही पवित्र जगह है, इस जगह प्रहलाद नगर। आज भी भगवान विष्णु का स्तंभ इस जगह है जिसमें भक्त प्रहलाद को बांध के रखा गया था, और जब उसे होलिका अपने गोद में लेकर के और जली थी तो उसी सभी से संबंधित इस जगह है। मैं बहुत पहले यहाँ आया था, उसमें कुआं भी हुआ करता था, लेकिन बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, तो एक बार जाऊंगा और देखूंगा। आज तो मैं नहीं जा सकता हूं, लेकिन फिर कभी जब मैं आऊंगा तो स्पेशली इस जगह को एक्सप्लोर करूंगा मैं। तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको कि उस जगह भक्त प्रहलाद की इस जगह है, और ये जगह महाभारत से इस समय भी संबंधित है। आज भी उसे सभी कुछ है। अब जो देख रहे हैं उस जगह वो है आपको प्रहलाद स्थल, उसी जगह से वहीं पे वहाँ से संबंधित है ये। और ये रहा सिकली गढ़ धरहरा बनमनखी। खास करके होली के समय में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा रस होता है, बहुत ही भीड़ होता है, लगभग मैं समझता हूँ 5,00,000 आदमी इस जगह आते हैं और राख से होली खेलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राख से होली खेलते हैं। तो आज मेरे पास समय नहीं है, मुझे थोड़ा सा आगे जाना है और अचानक कहीं जाना है, तो इसलिए मैं आज वहाँ नहीं गया। तो मैं जाता, लेकिन फिर कभी मैं समय निकाल के इस जगह को मैं एक्सप्लोर करूँगा। ऐतिहासिक चीज़ है और साथ ही साथ ये धर्म से रिलेटेड है तो देखना चाहिए। तो फिर आगे निकलते हैं और देखते हैं। अब मुझे यहां से लेना है लेफ्ट। यह गांव का मजा, रोड के दोनों साइड
देखते हो ना, यह है जंगली लेकिन है, यह है भांग, यह भांग का पौधा। यहाँ तो बस ऐसे ही बेकार बेकार सब उग जाता है। किसी बताया था सरकारी स्कूल, बताया था बहना सैलन से, ठीक है। कितने यहाँ के इंसान आदमी लोग कितने हेल्पफुल हैं। ये रहा अमित, आ गया अमित। खूब खुश रहिए। आप लोग मिले होंगे इनसे, ये है मेरा स्टूडेंट, आ जाओ जरा आगे में आ जाओ। ये है मेरा स्टूडेंट अमित। कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास। आने में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ के सभी आदमी बहुत हेल्पफुल हैं। ये सर मतलब स्कूल पूछे तो एक आदमी से पूछे सब बताने के लिए तैयार हो गया। बोल देते तो पूछ जाते। मेरे मन में बोल दो फिर सोचा क्या क्या फालतू में आ गए। चले ये सर, चले सर यार के लोग तो जानते भी नहीं हैं। हाँ। तो मान लो जो बाहर रहते हैं उसको तो कोई बात ही नहीं, वो तो भुट्टा समझते हैं, लेकिन कितनी एकदम हरा भरा है। और बकरियों से भाई, बकरी साइड हो जा। अभी मैं कम्प्लीटली गांव के रास्ते से पास कर रहा हूँ। यहाँ की हरियाली देखिए कितनी अच्छी है, मन नहीं होगा कहीं और जाएं। ये देखिए एकदम पूरा मकई का खेत, एक तरफ बांस एक तरफ मकई का खेत, और उसमें ये रास्ता। आ हा हा हा, एकदम मेरा तो दिन ही बन गया इस रास्ते पे आकर के। मैं पूर्णिया से आया, जब तक मैं रोड पे था मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं इधर आया तो मुझे लगा कि ओह कितना अच्छा दिन है। रहे सही में अमित, बहुत अच्छे जगह पर हो, बहुत अच्छे जगह पर। स्वर्ग है, लेकिन आप क्या करते हैं? एकदम सच में स्वर्ग है। अब तो शहर गांव भी बहुत सारा शहरीकरण हो रहा है ना पूरी तरह से। एक साल के लिए तो मम्मी भी कोटा में थी ना, पापा भी घर कम आ रहे थे, उठ रोज आए फिर बोलते ये तो स्वर्ग है यहाँ। एकदम गांव का जिंदगी देखिए, इस बच्चे को कितना मस्त है, ये इंतजार कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, और ये मार्केट में होते तो टेंशन होता, बच्चा बाहर है गांव में है, मस्त देख रहा है कि क्या चीज आ रहा है। और इस ट्रैक्टर को देखिए, अभी जा रहा है खेत में हाल जीतने के लिए। मेरा घर, यह आ गया अमित का घर, मैं यहीं आ रहा था। ये मैं आप सरप्राइज जैसा था, वहाँ लगाते हैं बिल्कुल। यह है अमित का घर, फैंटास्टिक। और पूरा देखिए कितना कितनी हरियाली है। आगे मैं कुछ दिखाऊंगा। ये रहा ये, अभी हम लोग हैं बगीचा में, अभी हम लोग यहाँ आए हैं घूमने के लिए, अभी हम लोग आए हैं घूमने के लिए। और मैं दिखाता हूँ आपको आम, देखिए कैसे लटका हुआ है, बहुत सारा है। बहुत सारा है, खाते देखना पड़ जाएगा। और इस पर यहाँ से बैठ के निगरानी करते रहिए, जब आम पकना स्टार्ट हो जाएगा तो इस जगह सभी सोए रहेंगे अपना आराम से, उठे आराम से पका हुआ से तो इसे पका हुआ अपना लीजिए, आराम से खाए और सोए, पूरब से हवा, आम खा करके मस्ती की नींद। अरे जिंदगी क्या जिंदगी है, ऐसा जिंदगी बाहर में था। ऐसा जिंदगी बाहर में नहीं, संभव ही नहीं। 15 रोज पूरा हो जाए, पूरा अपना ही है। यह है पूरा बगीचा,
लीची था, सब खा पका के खत्म कर दिया। और ऐसा नहीं, इसकी सफाई भी होती है, सफाई होता है पूरा, पूरा पूरा सफाई, इसका पूरा सफाई होता है। पूरा जंगल हो गया था हम लोग जो एक साल नहीं थे यहाँ पे, पूरा यहाँ से वहाँ तक उसको अभी करके गया है तो वो खेत को ट्रैक्टर से। हाँ अभी ट्रैक्टर से करेगा, इसको भी करेगा कहीं से गया था। यह आम का बगीचा सब है पापा का मेहनत, दादाजी का मेहनत, क्या हुआ, यही है गांव की जिंदगी, गांव की जिंदगी। और ये क्या पटुआ, ये वो पटुआ है जूट, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में जूट, ये पटुआ की खेती है। इसका बारूद बनाने के काम आता है ना। हाँ, बारूद में और साग बहुत अच्छा लगता है। ये अमरूद इतना अच्छा है सर, ये अभी फलाई में आया है, लेकिन ये कौन अमरूद है ये? हाँ, बहुत बहुत मस्त। हाँ, बहुत मस्त सर। इसका कलर कैसा होता है? ये रेड मैरून कलर का है। ये देखिए, ये है अमरूद और इसका कलर है मैरून कलर, बहुत कुछ मस्त खाने का, कुछ है ना अजब चीज। अभी मैंने जितना सारा फल है सभी आपको मैरून कलर ही मिलेगा, इसे देख लीजिए। हाँ, ये भी मैरून कलर ही है, एकदम मैरून कलर, एकदम अजूबा है। 10-15 और पत्ते की क्वालिटी तो देखिए कितना अच्छा है। नागपुर से पापा उठा लाए, इसे नागपुर से लाए थे ना पापा लाए, बहुत ही मजेदार। और ऐसा कोई प्लांट तो एक्चुअली है क्या ना कि हरियाली से बहुत ज्यादा लगा है वहाँ, देखियो आम का कहीं कहीं खाली हो गया, दादाजी बोले इस बार फिर सबको भर देंगे। तो हरियाली से बहुत ज्यादा लगा होने की वजह से आम आया इस बार, आम सही है और मेहनत ही नहीं हुआ उतना, नहीं तो और ज्यादा होता, दादाजी भी नहीं थे, पूरा जंगल हो गया इसमें, वो दवाई वबाई करके ये खत्म किया। यह है जिंदगी, यह है जिंदगी, और हम सभी छोड़ के भागते हैं शहर की ओर कमाने के लिए, यही जिंदगी है सचमुच जिंदगी। लेकिन कोरोना ने सिखा दिया, नहीं कोरोना ने तो कम हो गया, कोरोना ने सिखा दिया 3 साल के बाद हम कम मौसम में हम लोग कि जिंदगी क्या है। और ये रहा भुट्टा, मकई, ये रहा मकई, एकदम अंदर में जाके छिप जाइए कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, इसी से चोरी होता है, लीची आम सभी यही खा जाता है, जब तो ये खत्म होता है आम लीची खत्म। इसलिए क्या होता है वाला लेट से लगा कि गांव के बच्चे सब जो है वो सभी आके इसमें छिप जाते हैं, मेरा लीची खत्म, और लीची आम अपना तोड़ लेते हैं फिर इसमें घुस जाते हैं, और कोई आया तो देखा इसमें घुस गया, और अंदर अंदर किधर निकल के जाएगा कहना मुश्किल है, दिखाई नहीं देगा। अगर आप सोचते इधर जा रहा नहीं वो इधर चला गया तो पता ही नहीं चलता है। और हम लोग भी बचपन में थे तो कुछ ऐसा ही करते थे, इसलिए छोड़ दिया। यह है गांव की जिंदगी। इसको तो घेर देंगे सर, लीची खाने नहीं जाए, इतना मस्त मस्त लीजिए, 2-3 गाछ इतना मस्त है, ये सब लोग खाने नहीं जाए, अभी 2-4 बचा हुआ था। हाँ। बोले तब हम तोड़ के ले गए उस गाछ से, पीछे गाछ से खाने नहीं देते। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस, और ये देखिए मैं जंगल जंगल जा रहा हूँ निकल करके, राइट, और गाड़ी काफ़ी स्लिप हो रही है इस जगह, बाइक एकदम से स्लिप कर गई इस जगह। ये रहा जंगल जंगल, ये बांस है पूरी तरह से एकदम झुक देते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, कोशिश तो मैंने बहुत किया है। तो आप सभी कोई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को भी लाइक भी कर दें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आ जाए।